किसान भाइयों, महिंद्रा 4 गियर के साथ में और मैसी है 5 गियर के साथ में, और जो दूसरा ट्रैक्टर है वो है मैसी 4 गियर के साथ में। और आज 4 गियर और 5 गियर का अंतर होता है वो देखेंगे, क्योंकि कई सारे भाइयों का सवाल था कि भाई 4 गियर और 5 गियर में क्या अंतर है, और अगर 5 गियर आ गए तो क्या 5 गियर वाले ट्रैक्टर की स्पीड ज़्यादा है, तो वो मैं दिखा रहा हूँ। तो दोनों ही ट्रैक्टर दोस्तों 1000 RPM यानी 10 नंबर के रेस के ऊपर है, और कल्टीवेटर उठा के दोनों ही ट्रैक्टर एक साथ में चलेंगे 1000 RPM पे, और देखते हैं कि कौन से ट्रैक्टर की फर्स्ट के हाई गियर में चाल ज़्यादा है। वो है 5 गियर वाला और ये है 4 गियर वाला। ठीक है, 1 2 3। भाइयों, फर्स्ट का हाई गियर महिंद्रा 475 DI और मैसी 241 DI 5 गियर के साथ में, फर्स्ट के हाई की स्पीड देख सकते हैं आप। फर्स्ट के हाई में मैसी की स्पीड ज़्यादा है, जो कि पहले 4 गियर वाले में भी सेम स्पीड ज़्यादा थी वही है। जो अंतर है वो आप देख सकते हैं कि कितनी सेकंड के अंदर कितना अंतर रहा है दोनों ट्रैक्टर का। भाइयों, ये रहा दोनों ट्रैक्टर के बीच का अंतर, कितना डिफरेंस रहा है वो आप देख सकते हैं। 1000 RPM पे फर्स्ट गियर की चाल थी ये दोनों ट्रैक्टर के बीच में, और मैसी की चाल बढ़िया है और महिंद्रा की थोड़ी सी कम है, तो महिंद्रा का एक पॉइंट आपको ज्यादा रखना पड़ेगा फर्स्ट गियर में। मैसी 1500 RPM पे चला रहे हो तो महिंद्रा आपको 1600 RPM पे चलाना पड़ेगा, ताकि वही टाइम सेट बैठे। और अब देख लेते हैं रिवर्स स्पीड, रिवर्स में किस ट्रैक्टर की चाल बढ़िया है, और उसके बाद में देखेंगे लोड टॉप। 1 2 3। 4 गियर और 5 गियर में रिवर्स स्पीड 1000 RPM यानी कि 10 नंबर पे, 10 के रेस ऊपर देख सकते हैं रिवर्स स्पीड में महिंद्रा आगे है। वो 5 गियर वाला है और ये है 4 गियर के अंदर। काफी ज्यादा डिफरेंस है दोनों के बीच में बस। वो थोड़ा सा पीछे गया मैसी। दोस्तों, 5 गियर वाले मैसी की रिवर्स में महिंद्रा से कम स्पीड है, जो कि रिवर्स स्पीड की बात की जाए तो महिंद्रा की स्पीड ज़्यादा है, जो कि 4 उसमें सेम थी, थोड़ा सा डिफरेंस था, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस रहता है 5 वाले में। और अब देख लेते हैं लो टॉप दोनों, इसका 5वां लगेगा और इसका लगेगा 4 गियर, 4 में और 5 में लो की स्पीड देखेंगे। लो टॉप भाइयों, अब लगेगा लो टॉप, यानी कि इसके अंदर लो का 5वां गियर और इसके अंदर लगेगा लो का 4था गियर। इसके अंदर 4 गियर है, वो 5 गियर वाला ट्रैक्टर है, तो इसके अंदर अब लगेगा लो 5 और इसके अंदर लगेगा लो का 4था गियर। लो लगाए, हाँ ओके। महिंद्रा 475 और मैसी 241 सेम HP के साथ में, 1 2 3। दोनों ही ट्रैक्टर साथ में चले हैं। ये लो टॉप के अंदर ये 4 गियर है, वो मैसी 5 गियर है। दोस्तों, जो 5 गियर का डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगा इस मैसी के अंदर और उसमें, उस मैसी में, जो कि 4 गियर और 5 गियर का अंतर मैं दिखाऊंगा आपको। बाकी जो अभी स्पीड है वो देख सकते हैं, लो टॉप में 4 गियर वाला आगे है और इसके अंदर लो 5 है, जो कि सेम स्पीड है लो गियर में मैसी के अंदर। दोनों के बीच में जो अंतर है वो आप देख सकते हैं कि कितना अंतर है। तो दोस्तों, ये रहा दोनों ट्रैक्टर के बीच का अंतर लो टॉप में, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस रहा है दोनों ट्रैक्टर के बीच में। महिंद्रा की लो टॉप में स्पीड बढ़िया है और मैसी की जो चाल है वो थोड़ी सी कम है, ये कितना डिफरेंस रहा है वो आप देख सकते हैं। और दोस्तों, कल्टीवेटर के अंदर मैसी के अंदर आपको लो टॉप लगाने की कहीं पर नौबत ही नहीं आएगी, लेकिन अगर आप महिंद्रा के अंदर कहीं पर टाइम कम लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आप लो टॉप लगाएं, वहाँ पर आपको टाइम का डिफरेंस रहेगा। और दोस्तों, फर्स्ट हाई और लो टॉप में एवरेज का, माइलेज का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, दो दो बार निकाल चुके हैं दोनों ट्रैक्टर का।
तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं रहता है। बाकी कैसी लगी दोनों ट्रैक्टर की स्पीड वो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें, और कोई भी सवाल हो तो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें, मैं टाइम निकाल करके आपको जवाब जरूर दूंगा। और दोस्तों हर ट्रैक्टर की सही खबर के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद जय भारत।